राहुल गांधी के एक और अंदाज ने लूटा दिल्ली वालों का दिल। बंगाली मार्केट में गोलगप्पे खाते आए नजर, तो पुरानी दिल्ली में तरबूज और शरबत का उठाया लुत्फ। जयराम रमेश ने किया सिद्धारमैया का बचाव, कहा एक पूर्व मुख्यमंत्री की वास्तविक अपील पर विदेश मंत्री की ओर से सबसे भयावह प्रतिक्रिया। जनार्दन रेड्डी की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी, की थी जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग, खनन मामले में है आरोपी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर जी एन साई बाबा को आरोप मुक्त करने का आदेश किया रद्द, बॉम्बे हाईकोर्ट को दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा। झारखंड में नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, बंद का किया ऐलान, पुलिस ने कड़े किए सुरक्षा इंतजाम। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी, मोदी योगी समेत 40 नाम शामिल, 10 मई को होगा मतदान। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, खुले में जले मिले डॉक्यूमेंट्स, जांच एजेंसियों को सबूत पिटाने का शक, सीबीआई ने कलेक्ट किए सैंपल। अतीक अशरफ मामले में बड़ा एक्शन, शाहगंज थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सीएम योगी और पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। सेम सेक्स मैरिज पर कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब किया दाखिल, केंद्र बोला फैसला लेने से पहले राज्यों से परामर्श का समय दे सुप्रीम कोर्ट। 4 दिन घटने के बाद फिर बड़े कोरोना के केस, 24 घंटे में 10,542 नए मामले आए सामने, 38 लोगों की गई जान। सूडान में संघर्ष के बीच मची लूटपाट, कर्नाटक आदिवासी समुदाय के कई लोग फंसे, एडवाइजरी जारी, अब तक सूडान में 200 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। दुनिया का सबसे अमीर शहर बना न्यूयॉर्क, निवेश प्रवासन फंड अहले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट का दावा। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद पैडोल के फेफड़ों में इन्फेक्शन, दिल्ली एम्स में किया जा रहा है शिफ्ट। चीनी खतरे से निपटने के लिए ताइवान खरीदेगा 400 एंटी शिप हार्पून मिसाइलें, ड्रैगन के युद्धपोतों को डुबोने की तैयारी। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला बना देश, चीन के मुकाबले हमारी जनसंख्या 30 लाख ज्यादा, यूएन रिपोर्ट का दावा। टाटा ग्रुप की बड़ी तैयारी, खरीद सकता है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, एयर इंडिया को होगा फायदा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन, 66 साल के हुए मुकेश अंबानी, लोगों ने दी बधाई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम का किया ऐलान, हैरिस और मिशेल मार्श की हुई वापसी। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड कास्टिंग पर साधा निशाना, बोली मेरिट के आधार पर फिल्में मिलनी चाहिए, पॉलिटिक्स और ड्रामा देख कर रही। हनी सिंह और टीना थंडानी का हुआ ब्रेकअप, 1 साल से कर रहे थे एक दूसरे को डेट, रिलेशनशिप बिगड़ा तो हनी सिंह ने बदल लिया एल्बम का थीम।